हम लोग देखते हैं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली. एंड और अगर आप, मैं इसके बैक साइड सबको दिखाता हूं, तो ये जो स्टिक्स है इसके एंड में मैंने एलईडीज लगा रखे हैं, राइट. वो एलईडी ग्लो कर रहा है. और अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले सर ने बताया था लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन, बट यहां पे तो क्या हो रहा है कि एलईडी इसके नीचे लगाया हुआ है, लाइट यहां से पूरा बेंड होके ट्रेवल होके दूसरे एंड तक आ रहा है, इस एंड तक पहुंच रहा है ना ऊपर तक, तो ये तो बेंड हो रहा है, लाइट पूरा बेंड हो रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पाइप के एंड में, दिस इज एक्चुअली नॉट अ पाइप, ये हॉट ग्लू गन आता है ना उसका जो ग्लू स्टिक है वो है, उसके एक एंड पे हम लोगों ने एलईडी जला रखी है. एंड बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो लाइट इसके अंदर जा चुकी है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होते होते दूसरे एंड तक पहुंच रहा है. तो दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एग्जैक्टली दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम कर रहा है. इसी मॉडल को तैयार करने के लिए हम लोग बैटरीज यूज कर सकते थे, एलईडीज को जलाने के लिए बैटरी सफिशियंट. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोगों ने इसमें क्या किया है, एक डीसी मोटर यूज किया हुआ है, राइट. फिजिकली द डीसी मोटर एंड द जनरेटर, मोटर और जनरेटर दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मोटर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूं, खाली इसका रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, किसका, मोटर का. मैं इसको मोशन दे रहा हूं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है और ये कन्वर्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिकल करंट में वो चेंज कर रहा है. इसमें मैंने जो एलईडी यूज किया हुआ है जिस वजह से इसी डायरेक्शन में उसका करंट, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स होते हैं एलईडीज के, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है और एलईडी ग्लो कर रहा है. और जब मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूं तो एलईडी ग्लो नहीं करता.